श्री वर्धमान ग्रुप के तत्वावधान में श्री वर्धमान शिक्षण समिति द्वारा संचालित भंवरलाल गोठी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में विभिन्न सह सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक की एकल नृत्य वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन कक्षावार रखा गया, जिसमें 75 नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा से सभी को रोमांचित किया। प्रतियोगिता में ध्वनि उपाध्याय, हिरल सारसर, पहल अग्रवाल, परिधि मुद्रा, अश्वी जोशी तथा दर्श मिश्रा प्रथम स्थान पर रहे। इसी प्रकार देशना जैन, गुनिका सिंह गहलोत, रेयांश प्रजापति, ईशानी सोनी, प्रांजल साखला आदि छाजेड, अरिष्ठा शर्मा तथा लब्धि जैन द्वितीय स्थान पर तथा हृदयांश धूत, डॉली सोनी, हर्षित जांगीट, मिस्टी जैन, फागुन सोनी, मोक्षिता शर्मा, निहारिका पहलवानी तथा दिविशी अग्रवाल तृतीय स्थान पर रहे। इसी क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न वाद्य यंत्रों, पियानो, ढोलक, कोगो, ड्रम तथा गिटार आदि पर विभिन्न धुनों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता 2 वर्गों में विभाजित थी, जिसमें कक्षा 1 से 3 के ग्रुप अ में अर्पित पाराशर प्रथम, दर्शन चतुर्वेदी द्वितीय तथा श्रेयांक जैन तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार ग्रुप ब कक्षा 4 व 5 में राघव साखला प्रथम, तनुष व्यास द्वितीय व तन्मय पाराशर तृतीय स्थान पर रहे। इसी क्रम में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के एकल गायन व वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन हाउसवार किया गया, जिसमें प्रत्येक हाउस के 2-2 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में पृथ्वीराज हाउस के हिमांक जैन ने प्रथम, चाणक्य हाउस के नैतिक सेठिया विश्वास्तिका खंडेलवाल अशोका हाउस द्वितीय स्थान पर तथा संकित जैन महाराणा प्रताप हाउस सितांशु सिंह रावत अशोका हाउस तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार एकल गायन प्रतियोगिता में विदिशा जैन महाराणा प्रताप हाउस प्रथम, संकित जैन महाराणा प्रताप हाउस द्वितीय स्थान तथा मनस्वी शर्मा चाणक्य हाउस तृतीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में समीर एस कुमार, श्रीमती नितेश शर्मा, श्रीमती सुचिता माहेश्वरी व श्रीमती आशा योगेश्वरी नायक की भूमिका अदा की। प्रतियोगिता के दौरान श्री वर्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारख, निदेशक डॉक्टर आर सी लोढ़ा, प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, उपप्राचार्य धर्मेंद्र शर्मा एवं श्रीमती सुनीता चौधरी ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। अजमेर